महाभारत के अनुसार जब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर शकुनि के बीच जुए का खेल चल रहा था उस समय वहां श्री कृष्ण उपस्थित नहीं थे। बाद में जब श्री कृष्ण को पूरी बात का पता चला तो पांडवों से मिलने वन में आए। यहां पांडवों को वनवासियों के रूप में देखकर श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आया और उन्होंने ये भी बताया कि जब हस्तिनापुर में जुआ खेला जा रहा था तो वे वहां क्यों नहीं आ पाए। आज हम आपको यही बता रहे हैं। जुए में अपना राजपाट ठार कर जब पांडव व द्रौपदी हस्तिनापुर से बाहर निकले तो कुछ दिन उन्होंने कामयक्षवन में बिताए। यहां श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। पांडवों की ऐसी दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को दुर्योधन पर बहुत क्रोध आया। द्रौपदी के अपमान की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर दुर्योधन सहित सभी कौरव नष्ट हो जाएंगे और युधिष्ठिर ही राजा बनेंगे और तुम उनकी पटरानी बनोगी। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि जब हस्तिनापुर में जुए का खेल हो रहा था उस समय आप कहाँ थे। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण ने बताया कि तुम्हारे द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ की समाप्ति पर जब मैंने शिशुपाल का वध कर दिया तब उसके बड़े भाई शाल्व ने क्रोधित होकर अपनी सेना सहित द्वारिका पर हमला कर दिया। मेरी अनुपस्थिति में उसने अनेक नगरवासियों का वध कर दिया। प्रद्युम्न और राजा शाल्व का भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि जब मैं राजा शाल्व को ढूंढ रहा था तो वह महासागर के एक द्वीप पर मुझे मिला। मुझे देखकर वह जोर जोर से युद्ध के लिए ललकारने लगा। राजा शाल्व और मेरे बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। राजा शाल्व के पास एक विशेष विमान था जिस पर सवार होकर वे कभी अदृश्य हो जाता तो कभी पुनः प्रकट हो जाता।